नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो आयरियानं नमो उभस्यायानं नमो उभस्यायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमकारो सब पावप्पणासनो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विचरता वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूच अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूच वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूचु 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूचु वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूचु निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूचु इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो 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 निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सीता परम गुरु सूक्ष्मतमा
निश्चय वंद है, सत्यम निश्चय वंद है, तैत्रिश कोटि दैवगण, तैत्रिश कोटि दैवगण, विश्वहितार्थे स्वागतम, विश्वहितार्थे स्वागतम, जग कल्याणक यज्ञ में, जग कल्याणक यज्ञ में, मंगलमय द्यो आशिषम, मंगलमय द्यो सिद्धस्वरूपी मूर्तमो, सिद्धस्वरूपी मूर्तमो, गलती भूल को माफ दो, गलती भूल को माफ दो, व्यवहारे सदबुद्धि हो, व्यवहारे निश्चय में अभिप्रोद दो, निश्चय में अभिप्रोद दो, जय सच्चिदानंद, 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 जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके, हम आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि, प्रार्थना करते हैं कि हम सब महात्माओं को, हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों, और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके, हम आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि, प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की, और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दियो, परम शक्ति दियो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदान, जय सच्चिदान, जय सच्चिदान। ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, सब तिमी
चरणों में ले
ये कविराज का फेवरेट पद था और लास्ट वीक में हम परिसर में मिले तब उन्होंने कहा था कि ये पद बार बार जहाँ भी जाओ सबके सामने गाओ, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये उनका भाव था। उसी समय भी गाया था, उनकी भावना थी कि बस हम इस यही भावना से आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी बात यह है, कविराज ने ये पद में लिखा है कि सूरज जो प्रकाशित होते हैं तो किरणों की कोई दिशा होती नहीं, पश्चिम या पूर्व तुम सूर्यनारायण के आधार से बोल सकते हो मगर किरण की दिशा नहीं होती है, निष्पक्षी है किरण आत्मा, प्रकाशों में कोई पक्षपात नहीं है। तो पहले आ क्या गई, बाद में कोई अगर आए तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जो है जिसको हम ज्ञान प्रकाश बोलते हैं, आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान प्रकाश, प्रकाश नहीं ज्ञान प्रकाश, और वो ज्ञान प्रकाश निष्पक्षपाती है। कैसा है? पक्षपात किसको कहते हैं? ये मेरे को प्राप्त करना है, ये मेरे को छोड़ देना है, इसमें से सुख मिलेगा, इसमें से दुख मिलेगा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब रिलेटिव व्यू पॉइंट है, सब रिलेटिव व्यू पॉइंट। और ज्ञान प्रकाश में जो कुछ अवस्थाएं कहो या दृश्य कहो प्रकाशित होती है, वो अवस्था को देखने वाला और जानने वाला वो प्रतिष्ठित आत्मा है। सिद्धांत ये है, आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं को देखने का जानने का स्वभाव नहीं है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा में अवस्थाओं को देखना, देखने का और जानने का स्वभाव है। और इसीलिए राग द्वेष भी उसको होता है, वितराग भी उसको होना है, वितरागता की अनुभूति भी इसको करना है। आत्मा तो वितराग है ही, इसको वितराग बनाना नहीं, दृष्टि में वितरागता नहीं है और दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा के पास है। कई लोग मानते हैं कि भी जब आत्मा ही अनंत शक्ति वाला है तो फिर ये संसार में फंसा क्यों, अनंत सुख वाला है तो फिर फंसा क्यों, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है तो संसार में फिर फंसा क्यों। तो इसका एग्जाम्पल समझ लो पहले। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न सबके दिमाग में कहीं अवतारों से गूंज रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता और लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं। तो आत्मा जो है इनका स्वभाव, इनकी शक्ति वो परमानेंट है, मगर वो इनके ऊपर जो आवरण है निगोद में तो बिल्कुल वैभान अवस्था में था, यानी इतने आवरण थे कि एक इंद्रिय होते हुए भी ज्ञान नहीं था, इनएक्टिव, वन सेंस थी मगर वो इनएक्टिव मोड में थी। और जब व्यवहार राशि में आते हैं तो वो वन सेंस एक्टिव मोड में हो जाती है, तब से एक इंद्रिय का ज्ञान ओपन होता है। क्या होता है? ओपन, क्रिएट नहीं होता है, ओपन होता है।
आध्यात्मिक दृष्टि और व्यवहार दृष्टि, उसमें अंतर क्या है? फंडामेंटल व्यवहार दृष्टि में ऐसा कहते हैं, हमको ज्ञान पाना है, हमको ज्ञान पाना है, हमको अनुभव करना है। आध्यात्मिक दृष्टि में क्या कहते हैं? जो ज्ञान है इसको अनकवर करना है, क्योंकि है, पाना नहीं है। कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट इन अ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। तो है, इसको अनकवर करना है, और अनकवर करते समय जितनी आप, जितना आपका विजन यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, इतनी अज्ञानता दूर हो जाएगी, मिट जाएगी। और यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस नहीं होगा तो अज्ञानता बनेगी और होगी, वो पक्की होगी। इसके मैं उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी समय समय पे दूंगा। तो सिंपल बात है कि पाना वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? हम सब बोलते भी हैं और शब्दों के अर्थ से मानते भी हैं कि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। फिर भी कहते हैं हमको कुछ पाना है। यू अंडरस्टैंड? तो उसमें कोई सेंस ही नहीं है। मगर आप देखो, हम कितने ब्लाइंड हो गए। प्रैक्टिकल बात भी हमको नहीं मालूम होती है, और दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, सोचना नहीं है, बस ब्लाइंडली फॉलो। नहीं, सोचो तो सही। श्रीमद राजचंद्र ने स्पष्ट कहा, कर विचार तो, विचार तो करो। किसी को गलत सही नहीं कहना है, मगर हमको सही रास्ते पर चलना है। ये तो मेरा प्रश्न है कि नहीं? दुनिया सही रास्ते पर चलती है कि गलत रास्ते पर चलती है, वो मेरा प्रश्न नहीं है। मगर मेरे को सही रास्ते पर चलना है, वो तो मेरा प्रश्न है कि नहीं? इसके लिए भी जानना जरूरी है। तो ज्ञान अनकवर होता है। तो जब एकेंद्रिय में आती है, एकेंद्रिय का ज्ञान खुला होता है, वन सेंस से उसको मालूम होता है, ठंडी गर्मी, आप समझे ना, जो स्मूथ होता है, जो खरबचड़ा होता है, वो भी उसको मालूम होता है वन सेंस से। मगर ये जो ज्ञान है वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, जो ओपन होता है। वो कौन सा ज्ञान है? आत्मा के प्रकाश में ज्ञान खुला हुआ, वो रिलेटिव सत्य है। क्यों रिलेटिव सत्य है? क्योंकि द्वंद्व वाला है और व्यू पॉइंट है। तो वन सेंस का ज्ञान ओपन हुआ है। तो ये पहले निगोद में से व्यवहार राशि में आते हैं, तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय का ज्ञान खुला होता है। मगर जो ज्ञान खुला होता है वो रिलेटिव सत्य है। क्या है वो? सनातन सत्य नहीं है। मगर इंद्रिय ज्ञान के विकास को भौतिक विकास कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान का विकास कौन सा? पहले एक इंद्रिय थी, उस समय इतना ज्ञान था, फिर दो इंद्रिय, तो फिर और ज्ञान बढ़ा, तीन इंद्रिय और बढ़ा, फिर चार इंद्रिय, फिर पांचों इंद्रिय। ये इंद्रिय का स्केल कैसा है, इंद्रियों का स्केल कैसा है? ये वन इंद्रिय का मतलब होता है स्किन, दो का मतलब होता है मुंह, तीन का होता है नोज, चार का आंखें होता है और पांच का, तो जिसको कान है उसको पांच इंद्रिय है ही। तो ये स्केल है, इससे काउंट किया जाता है। ये नेचुरल है। क्या है? किसी ने बनाया नहीं है, इट इज बट नेचुरल। तो इसको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है। अगर एक दो तीन नाक है तो तीन इंद्रिया ही है, आँख है, कान नहीं है तो चार इंद्रिया है ही। तो कहने का मतलब ये इंद्रिय ज्ञान का विकास होता है, मगर इंद्रिय ज्ञान का विकास वो ही रिलेटिव सत्य है, वो सनातन सत्य है। जो दिखा वो माना। क्या बताया? वो माना, जो दिखा वो माना। फिर बाद में पांच इंद्रियों को क्रॉस करके
जब मनुष्य में आता है फर्स्ट टाइम, तब इसको बुद्धि मिलती है। बुद्धि आने के बाद सिलेक्शन शुरू होता है। क्या होता है? चॉइस। उससे पहले वो चॉइस लेस है। क्या है? हाँ। और इसीलिए जो भी एनिमल होते हैं वो हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि चॉइस नहीं है। मनुष्यों को चॉइस है तो वो फैसिलिटी ढूंढता है। क्या ढूंढता है? तो दो पार्ट है, जिसको मोक्ष मार्ग में आगे जाना है इनको नेसेसिटी का इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जिसको संसार में आगे बढ़ना है इसको फैसिलिटी में आगे बढ़ना चाहिए। आप समझे, दोनों का रास्ता क्या है? अलग अलग है, और दोनों अपनी जगह पे सही है। जिसको संसार में बढ़ना है तो उनको फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले वो सोचना है, और जिसको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है नेसेसिटी। तो ये सब बातें छोटी छोटी हैं, समझने की जरूरत है। मनुष्य भाव में आने के बाद जब बुद्धि मिलती है, फिर बाद में बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है। पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास, फिर बौद्धिक ज्ञान का विकास। बौद्धिक ज्ञान के विकास में क्या होता है? मैं इस संसार में जो पांच इंद्रियों से अनुभव में आता है, इसमें जिसमें से सुख मिलता है वो कितना मैं मैक्सिमम प्राप्त कर सकूं, और जो दुख वाली चीज है उससे मैं दूर रहूं। इसको कहते हैं राग एंड द्वेष। तो ये राग द्वेष वहां चालू हो जाता है। तो इंद्रिय ज्ञान का विकास, उसके बाद बौद्धिक ज्ञान का विकास, प्राप्ति। बुद्धि ज्ञान का मतलब होता है प्राप्ति। फिर उन्होंने जो जो चीज में अपनी इंद्रिय ज्ञान से और बौद्धिक ज्ञान से सुख माना वो समय समय पे मिलता रहा। एक समय ऐसा आया कि उसके बुद्धि से जो कुछ पुण्य चार्ज किया था वो पुण्य के हिसाब से उनको सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन उनकी चॉइस के मुताबिक मिल गए। मिलने के बाद वो सोचता है इतनी सारी चीजों में मैंने सुख माना था, मिल भी गया मगर सुख नहीं मिला। फिर उसका टर्निंग पॉइंट आता है कि आखिर मैं जो सुख पाना चाहता हूँ ये इसमें है, कहाँ है वो नहीं मालूम, मगर इसमें नहीं है वो तो प्रूव हो गया मिलने के बाद। बाद में सोचता है कि जिनके पास सच्चा सुख क्या है, कहाँ है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान जिसके पास है ऐसे ज्ञानी हमको प्राप्त हो गए, ऐसी भावना बटने सर हो जाती है। क्योंकि सुख तो चाहिए ही। कॉमन क्वेश्चन क्या है? एवरीवन दे रिक्वायर हैप्पीनेस, वो तो कॉमन है। तो ये अनुभव करने के बाद मालूम हुआ कि जितने में सुख माना था सब मिल गया, फिर भी हैप्पीनेस नहीं मिली। मैंने सोचा था कि भारत देश का मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो बहुत मान सम्मान मिलेगा, ठीक है, पर एक दिन में बन गया पुण्य से, फिर मालूम हुआ कि तो टेंशन ही है, न दिन को सो सकते हैं न रात को सो सकते हैं, कुछ भी करो गालियां ही खाना। तो आएंगे तो मालूम होगा, पहले कैसे मालूम होगा? बाहर से तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये समझने की बात है, कोई भी चीज की अनुभूति करते बाद में मालूम होता है कि इसमें तो कुछ नहीं है। तो बात समझ नहीं है, लोगों की भ्रांति इतनी पक्की हो गई है, ये भ्रांति को ही तोड़ना है, और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। आत्मा में तो खुद का ज्ञान है, आपके ज्ञान अनुभव की आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और अनुभव इसीलिए चाहिए
आपके अंदर जो अज्ञान है, जिसको ज्ञान मानते हैं, इसको मिटाने का विज्ञान चाहिए। और कुछ चाहिए? और अनुभूति कर लो कि मैंने जिसमें सुख माना था उसमें सुख है, वो आपकी अनुभूति है। और जब अनुभूति हो जाएगी तो आप भाव नहीं करोगे कि मेरे को ये चीज चाहिए। राइट और रॉन्ग? तो इसमें कोई जो सिंपल बात है इसको तोड़ मरोड़ के गोल गोल घुमा के बताना और आदमी को कंफ्यूज करना, इसका नाम है धर्म। क्या है? रास्ता ही नहीं मिले। सब कुछ करो मगर सुख नहीं मिलेगा। तो अभी सूरत मंदिर में ये सिमंदर स्वामी का एक जन्म कल्याण था, अभी था दजा वार्षिक उजवनी मंदिर की थी, तो मैं भी उसमें गया था। फिर जब सत्संग करने का मौका आया तो एक भाई ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, ज्ञान तो बहुत है, समझ भी बहुत है, पुरुषार्थ भी अपनी तरह करते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है और जो पाना चाहते हैं वो अनुभव में नहीं आता है। समय तो पास हो जाता है मगर अनुभव कुछ होता नहीं है। तो फिर मैंने वही कहा, जब डॉक्टर के पास आपके दर्द का इलाज नहीं होता है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस का पैसा लेता है, प्रैक्टिकल का नहीं। They change the medicine all the time and you pay money for practice, not practical and no guarantee. Yes or no? Yes. No. हर समय मैंने कहा, मैं पहली बार गया सत्संग में, किसी ने कहा तो मैं गया उनके साथ, फिर मैं बैठा तो नया नया था तो लोगों ने पूछा पहली बार आया, मैंने बोला हाँ पहली बार यहाँ आया। तो फिर पहला ही प्रश्न पूछा, आपने ज्ञान लिया है? मैंने कहा हाँ। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, आपने कहाँ से लिया है? मैंने कहा यहाँ से लिया है। तो बोला यहाँ नहीं, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। फिर मैंने 4-6 महीने में ज्ञान ले लिया। ज्ञान के बाद मेरी धारा शुरू हुई आज्ञा पालन करने की। जब मैं 6 महीने के बाद फिर कोई सत्संग में आया तो मैंने कहा अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो उन्होंने कहा आपने ज्ञान तो ले लिया है, सही जगह से ले लिया है, मगर आप आज्ञा धर्म का पालन करते हैं? बोला मालूम तो है, इतना पालन नहीं करते। बोला आज्ञा धर्म का पालन करोगे तो सभी प्रश्नों का हल हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे पालन करना शुरू करते एज पर इज एबिलिटी, क्षमता के मुताबिक। फिर 6 महीने के बाद फिर सत्संग में आया, बोला आज्ञा का तो पालन जितना हो सके इतना करता हूँ, फिर भी पजल दूर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बोला कोई बात नहीं, तुम सत्साधन करते हो? बोला वो तो मैं नहीं करता हूँ, अभी सत्साधन शुरू करो, चेंज द मेडिसिन। फिर 6 महीने के बाद सत्साधन करके आया, बोला सत्साधन भी करता हूँ और जितना होगा इतना आज्ञा धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी पजल है। कोई बात नहीं, आप सामायिक करते हो? नहीं करते। सामायिक शुरू कर दो, सब आपको दिख जाए गलती आपकी। कोई बेचारा सामायिक करता है, 6 महीने तक सामायिक कर किया, सब कुछ देखा, सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर आया सत्संग में 6 महीने के बाद, बोला ये सब कुछ करता हूँ मैं, सामायिक भी करता हूँ, फिर भी पजल सॉल्व नहीं हुआ। बोला आप प्रतिक्रमण करते हैं? तो नहीं करता हूँ। तो प्रतिक्रमण शुरू कर दो अभी। फिर बेचारा वो प्रतिक्रमण शुरू करता है, दे फॉलो एज पर द मेडिसिन, दे हैव नो चॉइस। वो पेशेंट है तो पेशेंट के पास तो चॉइस नहीं होती है, डॉक्टर के पास होती है, पेशेंट के पास होती है, दे फॉलो। फिर वो बेचारा प्रतिक्रमण भी करता है, फिर भी आया, बोला मैं सामायिक करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, सत्साधन करता हूँ, फिर भी पजल है उनको। बोला आप कीर्तन भक्ति करते हैं?
कीर्तन भक्ति में संसार विघ्न निवारक सब प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। कीर्तन भक्ति बेचारा शुरू करता है, फिर 6 महीने के बाद आया, बोला अभी भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। बोला आरती तो करना ही चाहिए, सिमंदर स्वामी लाइव गो, उसकी आरती करो, सब सोल्व हो जाएगा। ऐसे करते 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 दे चेंज द मेडिसिन ऑल द टाइम एंड पीपल आर सफरिंग बट नो सॉल्यूशन। यस और नो? दैट्स इट। इट इज टू बी कॉल्ड ए रिलीजन, इट इज टू बी कॉल्ड ए फॉर्मेट। इसको क्या कहते हैं? हर धर्म में होता है, अपनी अपनी तरीका होता है। तो ये फॉर्मेट है, साइंस नहीं है। साइंस बियॉन्ड फॉर्मेट है। क्या है? साइंस में डूअरशिप है ही नहीं। साइंस में इंपॉर्टेंट होता है विजन का। किसका होता है? एक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या नहीं है? एक्शन की वैल्यू, क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो फिर ये करो या ये करो, जब कुदरती रचना है, आपका पुरुषार्थ है ही नहीं, तो फिर ये बात करने से मतलब क्या है? आप समझे ना? तो साइंटिस्ट एक्शन की बात नहीं करेंगे, आप समझे। तो फिर वहां एक महात्मा ने प्रश्न कर लिया कि स्वामी जी, गलती होती है तो हमको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला प्रायश्चित करना वो गलती नहीं, गलत नहीं है, अच्छी बात है, मगर आप प्रायश्चित करोगे तो 2 बात स्वीकारनी पड़ेगी कि गलती मैंने किया है और माफी मैं मांगता हूँ। ये दोनों को डोर से आपके पास होनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? अगर ये डोर सिर्फ है तो आपके पास विज्ञान है या व्यवहार ज्ञान है? उसे सॉल्यूशन होगा? अगर मैंने गलती किया है आप स्वीकार होंगे, देन यू आर डूअर, फिर मेरे को माफी मांगना है, देन यू आर डूअर। आप करता है तो कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। आप गलती करने वाले हैं तो माफी मांगने वाले भी आप रहेंगे, मगर दोनों से अज्ञान बढ़ेगा और गलती माफ हो जाएगी। यू इंक्रीज द इग्नोरेंस, यू अंडरस्टैंड। साइंस में क्या इंपॉर्टेंट है? साइंस में अज्ञान निकालना भी इंपॉर्टेंट है, और धर्म में पापों से बच के पुण्य के मार्ग में आके जाओ। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? डिफरेंट है। गलत नहीं है माफी मांगना, वो गलती नहीं है, आप समझे, मगर माफी मांगना, आप देखो माफी मांगने का बेस क्या है? फियर। ये साइंटिस्ट को मालूम हो जाता है फियर, आप समझते, डर, डर से माफी मांगते हैं, आप समझे। हर चीज में साइंस में जाओगे तो मालूम हो जाएगा क्यों करते हैं। डर है, पाप का डर है, भुगतान का डर है, तभी माफी मांगते हैं, उनसे कौन मांगेगा। मैंने लोगों को प्रश्न किया, राम कृष्ण और महावीर, इनको इतनी सारी दिक्कतें आई, आई कि नहीं, हमारे से कई गुना ज्यादा, यह सुन लो, तो क्यों आई? इतने सारे प्रॉब्लम, पजल, सफरिंग क्यों आए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्या रीजन है? बोलिए। इनको इतना सारा सफरिंग हुआ, वनवास जाना पड़ा, उनके धर्म पत्नी ले गए, युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, इतनी हिंसा करनी पड़ेगी, कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, फिर दूसरे माता पिता घर पे वो बड़े हुए, दुर्योधन इसको इंसल्ट करें, कलर काला, जिसके साथ प्रेम उसके साथ शादी नहीं समझ में आया, कितना प्रॉब्लम। आप सोचो, एज अ कॉमन मैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, वो भी तो इंसान थे ना, तो हमको लगेगा उसको नहीं लगेगा, वो भी ह्यूमन है ना, आप समझे। तो इतने सारे पजल, महावीर को भी दीक्षा लेनी थी, मना कर दिया बड़े भाई भाभी ने, फिर जंगल में गए 42 ईयर्स, कितने 42 ईयर्स जंगल में रहना, ये कोई छोटी बात है? ये साधारण बात है? आप सोचो, जरा सोचो, कितने कितने पजल आए होंगे, यह सुनो।
कोई भी ऐसा ऐसा कॉमन मैन की बात करता हूँ, कान में खिल लग गए, गुस्सा लगने, जो तेजुलेश्वर का ज्ञान भगवान ने दिया था वही उनके ऊपर प्रयोग किया, तो दिक्कत तो आएगी ना, नहीं आएगी? तो ये उनको इतना, ऐसे तीन महान पुरुषों को अपने जीवन में इसी प्रकार का सफरिंग क्यों आया? Why? If they are great, they are ज्ञानी, पिछले जन्म का कर्म का ये हम इतना आसानी से बोल जाते हैं कि पिछले अवतार के कर्मों का फल है, मगर हमको ये भी मालूम होना चाहिए पिछले अवतार में भी उसके पास प्रायश्चित का ज्ञान तो होगा ही, हाँ या ना? तो फिर प्रयोग क्यों नहीं किया? वो सब अज्ञानी थे, अगले अवतार में अज्ञानी उनके पास अज्ञानी से चलते गए, और लास्ट वक्त में ज्ञानी हो गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगले अवतार में अज्ञानी, नेक्स्ट बर्थ में ज्ञानी, ऐसा होता है? देखो नहीं, सोचो ये बात, हम सोच यही तो कहता हूँ, साइंटिस्ट बनो। उसमें रहते हैं ना बहुत सालों के, वही हो के नहीं रहते ना, पूरा ने जो किए वो आते हैं। ये सब हमको प्रिंसिपल नहीं मालूम है, इसीलिए ऐसे उत्तर देते हैं। मनुष्य भव का कर्म सिर्फ एक ही बर्थ का चार्ज होता है, ओनली सम ऑफ द कर्म जो परिस्थिति के आधार पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है वो ही पेंडिंग होता है, सब नहीं होता है। एक मनुष्य भव में 5-10 मनुष्य भव का कर्म चार्ज नहीं कर सकते, देयर इज नो प्रिंसिपल ऑफ द लॉ। एक बर्थ में एक ही बर्थ का कर्म चार्ज होगा, एनिमल का 2-3 हो सकता है, पशु योनि का हो सकता है, देवलोक का हो सकता है, मगर ह्यूमन का एक ही होगा। इसके पीछे साइंस है, हम सोचते नहीं है ना। 8 भाव बन रहा है मैक्सिमम, 8 भाव का कर्म मैक्सिमम 1 बर्थ में 4 कर सकते हैं। 8 ह्यूमन बर्थ नहीं, ह्यूमन बर्थ 8 में मैक्सिमम 1 रहेगा, बाकी योनि में 8 को बंदे हो सकता है। देवलोक में आप 2 बार जा सकते हैं, 3 बार, पशु योनि में जा सकते हैं, नरक गति में जा सकते हैं, वहां मल्टीप्लाई जा सकते हैं, क्योंकि वहां चार्ज डिस्चार्ज नहीं है, ओनली डिस्चार्ज। यहां चार्ज है तो मैं 5 भोग का चार्ज करूंगा, ठीक है, मनुष्य भोग में, फिर 5 भोग में क्या करूंगा? आप समझे कि नहीं? बाकी के मनुष्य भोग में क्या करूंगा फिर? चार्ज नहीं करूंगा, वहां चार्ज नहीं है, मनुष्य के अलावा और कोई भाव में चार्ज नहीं है। एक साथ 2 मनुष्य का भाव मिल नहीं सकता, कभी नहीं, चार्ज नहीं, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये धार्मिक मान्यता नहीं है, प्रिंसिपली प्रैक्टिकल नहीं है। क्या बताया? प्रिंसिपली प्रैक्टिकल, सिद्धांत से ही प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक मनुष्य भाव में एक ही मनुष्य वर्ग का चार्ज कर सकते मैक्सिमम, ठीक है, और उसके बाद दूसरे भवों, दूसरे गतियों के कर्म आप 1 से ज्यादा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वह वनवे भुगतान है, वह चार्ज डिस्चार्ज नहीं है, ओनली डिस्चार्ज है। चार्ज तो हमने यहाँ क्या, स्टॉक यहाँ का है, यह कंज्यूम होता है, और 8 भव का कर्म चार्ज किया है तो 8वां भव ही मनुष्य का होगा लास्ट, देन यू कम बैक इन अ ह्यूमन लाइफ, और वो कर्म आपको डिस्चार्ज करना है, फिर नया चार्ज करना है। तो ये प्रिंसिपल की बात है, ये श्रद्धा की बात नहीं है, सिद्धांत। तो ये जिस प्रकार से ये कर्म होते हैं, तो इतने सारे कर्म, ऐसे महान पुरुष राम, श्री राम, श्री कृष्ण और श्री महावीर, इन्होंने इतने सारे कर्मों की भुगतान किया, तो क्या पिछले अवतार में उसके पास प्रतिक्रमण या प्रायश्चित का ज्ञान नहीं था? तो फिर क्यों हुआ? तुम मिटा सकते हो, नहीं मिटा सकते? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करो। उन्होंने समर्थ पुरुष कभी
जो हो गया है उसके लिए सोचते हैं नहीं, दे नेवर थिंक अबाउट द पास्ट, दे ऑलवेज ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट द ओनली फ्यूचर नॉट पास्ट। जो होना है जो हो गया है हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं, मगर उसका इम्पोर्टेंट क्या है, मैं अज्ञान को मिटाऊंगा। फोकस कहाँ है? क्योंकि कर्म किसे बनते हैं? और अज्ञान निकल गया, मैंने पूरे भव में जो भी कर्म चाहते किए इसको नहीं मिटाया, मगर मैंने फोकस रखा रॉन्ग बिलीफ रूप अपने अज्ञान को मिटाना, अज्ञान मेरा निकल गया और कर्म तो मेरा बाकी रहा क्योंकि प्रायश्चित नहीं किया है, नेक्स्ट बर्थ में भुगतान आएगी, मगर अज्ञान नहीं रहेगा तो नए कर्म बनेंगे, मगर सफरिंग तो आएगा ना, तो नहीं आएगा, दैट्स इट। मैंने अज्ञान मिटाने में फोकस किया जिससे कर्म बनते हैं, उन्होंने प्रायश्चित में फोकस नहीं किया। समझ में आता है? तो इसीलिए समर्थ पुरुष प्रायश्चित नहीं करते हैं, वो अज्ञान मिटाते हैं क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन है। क्या है? प्रतिक्रमण कर रहा वो परमानेंट सॉल्यूशन, वो तो गलती हो गई फिर माफी मांगो, गलती हो गई फिर माफी मांगो, अज्ञान तो वही का वही रहा, तो मतलब क्या रहा? ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एंडलेस है। क्या है? अज्ञान मिटाओगे तो एंड होगा, अज्ञान रहेगा तो फिर एंड कैसे होगा? फिर गलती फिर प्रायश्चित, फिर गलती फिर प्रायश्चित, वो चलता ही रहेगा। अब समझे, अज्ञान मिटाओगे एक दो तीन चार अवतार में सब अज्ञान मिटा दो, भुगतान जो भी है वो मंजूर है, मगर जब अज्ञान नहीं रहेगा तो भुगतान भुगतान लगेगा नहीं लगेगा। अज्ञान से ही तो सफरिंग लगता है, अज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, भी मेरा है और चला गया तो मेरा है वो भी अज्ञान है और चला गया वो भी, और जब अज्ञान नहीं है तो क्या मालूम है, आता है जाता है, वही तो कुदरती रचना है, इसमें राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो अज्ञान मिटाना वो इम्पोर्टेंट है, प्रायश्चित करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो केलू चाटो दादा एम पर कहता नाम कर कहता जीव व्यक्ति कहने का मतलब जो सामान्य महात्मा होते जिसका लेवल हाई नहीं है उनके लिए प्रायश्चित अच्छा है, वो गलत ऐसा नहीं है। मैं तो आपको आपको आपकी दृष्टि को डेवलप करने के लिए वही आपको दे ना कि अज्ञान को मिटाना है, दादा के घड़े घड़े प्रतिक्रमण केम करो, थूकवानू चाटवानू मूड में टाड़े तो इसीलिए फिर जब लोग नहीं समझ पाए विज्ञान को तो फिर ये बताया कि प्रायश्चित करो, आलोचना प्रतिक्रमण और प्रत्यक्ष ये सब ट्रीटेड, अज्ञान नहीं मिटा सकते है तो प्रायश्चित करो। तो हर बात में लोग कहते हैं कि स्वामी जी शक्ति मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, कोई भी प्रकार की, एक व्यक्ति कोई भी प्रकार की शक्ति अपने जीवन में देवी देवताओं के पास गुरु के पास या भगवान के पास मांगे या नहीं मांगे, ये मेरे को प्रश्न किया, तो मैं साइंस की बात करूंगा तो जितनी कमजोरी ज्यादा इतनी प्रार्थना ज्यादा, जितनी कमजोरी ज्यादा इतनी प्रार्थना ज्यादा। आप समझे, टोटल कॉन्ट्राडिक्ट है, जब अनंत शक्ति वाला मैं हूं तो शक्ति मांगना नहीं है, सिर्फ अज्ञान को मिटाओ, वही सबसे बड़ी बात है। आखिर शक्ति क्यों मांगनी पड़ती है? बिकॉज यू आर नॉट फेस द सर्कमस्टेंसेस, तभी तो मांगते हैं ना। जो कुदरत कहते हैं तुम्हारे पास तो अनंत शक्ति है और उनके पास तो शक्ति है फेस करने की, इनबिल्ट है, तभी तो उसको उदय आया, तो आएगा कहाँ से? इसलिए कहते हैं ना हर कर्मों के भुगतान के पीछे कुदरत ने इसको पावर भी दिया है, बिना पावर सफरिंग नहीं आएगा। तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मगर मेंटली कमजोर होने के नाते हम डिमांड करते हैं इनको ये शक्ति दो ये शक्ति दो, ये आपकी मानसिक कमजोरी है। तो मांगना चाहिए मांगना नहीं मांगना चाहिए वो आपका सब्जेक्ट है, मेरा काम प्रिंसिपल को बताना है, क्या है सिद्धांत को बताना है, आपको प्रायश्चित करना है या ना करना है वो आपका सब्जेक्ट है, मेरा काम विज्ञान को बताना है, क्या है कि विज्ञान ये है और व्यवहार धर्म ये है, चूज एनी वन, दोनों में से एक भी गलत
नहीं है, आप समझे ना, दोनों अपनी जगह पे सही है। मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अज्ञान मिटाना है, और पापों के भुगतान से बचना है तो प्रायश्चित करना है, आप समझे ना, ये दो ऑप्शन है। तो ये हम मानते हैं मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक संजोग प्राप्त था, वो किसे मतलब वो मांगते ही है ना इसलिए? हाँ वो मांगते हैं, मगर वो क्यों मांगते हैं? मुक्ति के लिए मांगते हैं, संसार के लिए, लेकिन वो भी मांगने का तो अपना शक्ति अपने आप से ही मांगते हैं कि कुदरत से मांगते हैं, वो ऐसे बोलते हैं वो शक्ति शक्ति मांगना वो परमात्मा के पास ही मांगते हैं। किसके पास मांगते हैं? परमात्मा के पास। मगर हम नाम देते हैं देवी देवता का, क्या करते हैं? ये रिलेटिव सत्य है। क्या है? रिलेटिव सत्य, आप समझे ना। हनुमान जी के मंदिर में जाओगे आप तो वहाँ जय बजरंगबली बोलना पड़ेगा, आप समझे, वहाँ जय महावीर बोलेंगे तो लोग मारेंगे आपको, तो जैसा देश वैसा वेश करना पड़ता है, आप समझे ना। तो ये रिलेटिव सत्य है। क्या है? पूरी विधि वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा है कि इसमें से जो लोग डेवलप नहीं है वो कम से कम ये भावना तो करें, जो विज्ञान को नहीं पकड़ सकते ये भाव तो कर सकते हैं ना, जैक्सेप्ट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो ऐसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक एक करके हमको ये विज्ञान समझना है, तभी आपको मालूम होगा कि आखिर दुनिया हमको घुमाती है क्यों। क्योंकि हम घूमते हैं, हमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए घुमाने वाला मिल जाता है और हम घूमते भी हैं। मैंने कई साल पहले एक सेंटेंस बोला था, जो व्यक्ति प्योर है, क्या है? और स्ट्रांग है। रिपीट अगेन, जो व्यक्ति प्योर है और स्ट्रांग है, प्योर और स्ट्रांग, वो दुनिया को घुमाता है, और जो व्यक्ति इम्प्योर एंड वीक है इसको दुनिया घुमाती है। दो ही ऑप्शन है, जो घुमाते हैं उसको घूमना है तो हमको अपने आप को कमजोर समझना है, और हम दुनिया को घुमाना है हमने अपने आप को पावरफुल समझना है। बस कमजोर है तो कोई भी घुमाएगा, आप समझे ना। हर बातों के पीछे प्रिंसिपल समझो। तो ये जैसे जैसे मैंने हर बात में डीपली स्टडी किया, एकदम से डिसीजन नहीं लिया मैंने कि मेरे को आध्यात्म विज्ञान की बात करना है, सोच समझ के मैंने लिया। क्योंकि फिर फॉर्मेट हो गया, तो फॉर्मेट से मतलब क्या रहा, फिर वही धर्म का एक नया धर्म बन गया, क्योंकि जो भी फॉर्मेट में सब यहाँ है, आप समझे ना। टाइटल देने से फर्क नहीं होता है, वेन यू फॉलो द फॉर्मेट इट्स फॉर्मेट, इसका नाम कोई भी दे दो, नाम से मतलब क्या है, वेन यू फॉलो द ट्रेडिशन इट मीन्स इट इज फॉर्मेट। तो फिर भी ज्ञानी कहते हैं अगर ये सब कुछ प्रकृति करती है और आप इससे मुक्त रहते हैं और इसको पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? प्रकृति प्रतिक्रमण करे, सामायिक करे, विधि करे, आरती करे, कीर्तन भक्ति करे, जो कुछ भी कहा है सब कुछ करे, मगर मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है, देन यू आर साइंटिस्ट। अगर पुरुषार्थ कहूंगे देन यू आर रिलेटिव ट्रूथ। एक्शन से पुरुषार्थ नहीं है, विजन क्या है एक्शन के पीछे, इस प्रकार से। इसीलिए कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी, तो बदलना क्या है, मन वचन काया को नहीं बदलना है, मगर मन वचन काया जो कुछ कर रही है उसमें हमारी दृष्टि क्या है, क्रिया में पुरुषार्थ मानते हैं या उससे
अलग रहने में पुरुषार्थ मानते, बस वही दृष्टि है। सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है और मैं कैसे शांति से बात कर रहा हूं, आप समझे? इसमें कोई हाई टॉक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जब प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें हाई टोन क्यों आएंगे? सीधी बात करनी है, गोल गोल बात नहीं करनी है, सबको समझ में आती है। तो हर बात के अंदर ऐसा है। तो मेरे को एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को तो ऐसा बताया कि हमारे को तो प्रकृति के अंदर डीप में जाओ, डीप में जाके पुरानी सभी बातों को निकालो और फिर उसकी सफाई करो। तो हम करें या ना करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर ये गलती कैरी फॉरवर्ड होगी। तो साइंस ये कहता है डीप में वहां जाओ जहां आपको एक्सपर्ट होना है। क्या बताया? डीप में वहां जाओ जहां आपको एक्सपर्ट, तो आपको प्रकृति में एक्सपर्ट होना है या कुदरती रचना जानने में एक्सपर्ट होना है। टू ऑप्शन, ये भी प्रकृति, ये भी प्रकृति, ये प्रकृति प्रिंसिपल है, ये प्रकृति रिलेटिव है। और रिलेटिव सत्य में कितने भी डीप में जाओगे सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यू पॉइंट है ना, वो क्या है, व्यू पॉइंट है ना। कितने भी डीप में जाओगे क्या होगा? यस, तो छोटू पड़ी में ज्ञाता दृष्टा थी जोवानो एक प्रयोग कहे छे कि तू शुद्धात्मा तो हवे प्रकृति ने इंट्रोस्पेक्ट कर। हम कोई भी एंगल से बताएंगे कि प्रकृति में डीप जवा माटे कि प्रकृति गाड़ी करवा माटे नथी कहता ने एनो શું કહેવાય કે વેર એરર્સ થયા કે વોટ એવર, સારું કે ખોટું બંને કે છે જો, અને ન્યુટ્રલ થઈને જોયા કરે એમ કે છે, એવું કહેવા માંગે છે કે ન્યુટ્રલ और सही गलत का मतलब क्या फिर हुआ? नहीं ऐसे सही न्यूट्रल में भी सही गलत नहीं है तो फिर सही गलत कैसे? न्यूट्रल छु तो खाली प्रकृति ने खाली निहाळी ले એમ કે છે કેવા માંગે છે ને। હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું, કહેવા કા મતલબ યે હે कि प्रकृति तो अपने प्रकृति भूसाई के गाड़ी, प्रकृति तो अपने स्वभाव से ही खत्म हो रही है वृद्ध के साथ ऑटोमेटिकली। जैसे आज 20 दिसंबर है तो 19 दिसंबर 2090 के पहले के समय के लिए हम मर गए। यह सुन, मेरा वृद्ध खत्म हो गया, मेरी आयु खत्म हो गई और मेरी भुगतान भी। और आज की ब्रीथ, आज का आयुष्य किसके लिए है? आज के लिए या कल के लिए? अभी के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे? ये प्रसंगोपात के संजोगों में ना ज्ञान दर्शन जो बिलीफो बंधाई से ने तेनी जो है ने इसे मैंने आऊ कर तेरे हाउस करू जो ये कई जो तो ते एनी बात आवे छे। वही मैं कहता हूं कि आप कैसे भी करके प्रकृति को समझने की कोशिश करोगे, प्रकृति को टच करोगे कोई भी एंगल से, तो आपकी प्रकृति ही पावरफुल होगी आपके विजन में। ऑफ कोर्स, जब विजन साइंटिफिक ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, डुअलशिप के बेस पर है, तो आपका ज्ञान क्या पक्का होगा? डुअलशिप वाला ही है, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है या ये सही है, यानी डुअलशिप के बेस पर रहेगा ना। और हमको क्या करना है? सेपरेट होना है। सेपरेट में नो डिटेलिंग। जब जब वो प्रकृति को हमको सुधारना है तो डीप में जाने की जरूरत है। हमको प्रकृति से मुक्त होना है या चेंज करना है उसको? तो वही तो है और उसी की तो प्रैक्टिस की जरूरत है और इसी की प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी हिंदुस्तान के कोई भी धर्म ऐसा नहीं है और दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें जिसके अंदर प्रायश्चित की बात नहीं की नहीं। तो रिलेटिव सत्य है ही, वो गलत ऐसा नहीं बोलते हैं, साइंस में नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ धर्म में तो होगा ही और धर्म में अच्छा है, इंसान में इंसानियत बनी रहे और गलतियों के लिए क्षमा मांगे वो अच्छी बात है।
एज अ ह्यूमैनिटी, ये मानव में से महामानव बनना है, इसके लिए विज्ञान है। अच्छा इंसान के लिए धर्म सही है, जब कोई इंसान को अच्छा इंसान बनाना है तो दुनिया के सही सभी धर्म सही है, क्योंकि वो इंसान ही बनाता है। ये पंच महाव्रत क्या है? प्रकृति के लिए। नवकल्प इसके लिए, प्रकृति के लिए। ये अपने नरसिंह मेहता ने 11 महाव्रत बताए, किसके लिए बताए? प्रकृति के लिए बताए। तो प्रकृति की शुद्धि के लिए धर्म की बात बराबर है, हम वो मना नहीं करते। जिसको मौसमी वो आपकी बात बराबर है कि भी हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है शुद्ध आत्मा में रहने की, रहने की नहीं छे पण एनु समानता नथी कि हुं छुं। वही तो प्रकृति जुदी छे ज अस्तित्व थी, મારું અસ્તિત્વ શુદ્ધાત્મા છે, બાકીનું પ્રકૃતિ ભાગ છે, એવું જ્યાં સુધી દ્રઢ એને નથી રહેતું ને બે મિક્સ થતું હોય તો ત્યારે ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટની વાત આવે છે કે ભાઈ ક્યાં તારી ઇસીલિયે ક્રાંતિ ઊભી થઈતી તે જો। ઇસીલિયે જ્ઞાની પુરુષ ને કહા કે સેપરેશન ઇઝ ધ અલ્ટીમેટ એન્ડ બેસ્ટ સોલ્યુશન। When you enter in Prakriti, they create so many puzzle. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ये सब puzzle होगा। There are so many viewpoint, और आपको solution permanent नहीं मिलेगा। प्रकृति के attachment से कोई permanent solution नहीं, puzzle ही रहेगा। एक puzzle खत्म हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा, बस। तो इसीलिए कहा separation is the best solution। और कई लोग मेरे को कहते हैं स्वामी जी ये तो धीरे धीरे होगा ना, क्या बताया? धीरे धीरे होगा। तो मैंने कहा आपकी बात बराबर है, धीरे धीरे ही होगा, 100% सही है, मगर धीरे धीरे अज्ञान मिटाने का प्रयास करो, प्रकृति को सुधारने का नहीं। वो प्रयास तो कितने अवतारों से किया, वो कितने अवतारों से आपने वो प्रयास कर चुके हैं, जितने भी अवतार लिए मानव के सब में आपने यही किया है, तो वो प्रैक्टिस की जरूरत अभी नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है अबे तो, सेपरेशन करे पछि सुधारवानो रहयो नथी, और इसीलिए उसमें प्रायश्चित होता नहीं है। प्रकृति के उदय में है और करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, उसको उदय कर्म मानो, पुरुषार्थ मत मानो। मेरा कहने का मतलब कोई किसी को हम किसी के साथ चलते टकरा गए तो हम कहे सॉरी, तो इट्स ओके, प्रकृति टकरा गई, प्रकृति ने सॉरी मान लिया, खत्म हो गई, ये पुरुषार्थ नहीं है। वही उदय कर्म है, वो कहते हैं कि ताव आया, बुखार आए और मेडिसिन लिया, वो पुरुषार्थ है, बोलते नहीं। वो भी उदय कर्म। हाँ, तो गलती हो गई, माफी मांगो, उदय कर्म नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर पुरुषार्थ मानोगे तो रिलेटिव सत्य हो जाएगा, और उदय कर्म मानोगे तो फिर आप सेपरेट हो गए, तो डुअलशिप खत्म हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या करना है? मेहनत नहीं करना है, मेहनत तो पहले भी किया हमने धर्मों में, तभी तो ये फल मिला हमको। तो हमारे पास क्षमता नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे पास क्षमता के मुताबिक आत्मविश्वास देने वाला नहीं है। हर व्यक्ति कहता है नहीं नहीं आपको नहीं समझ में आएगा, आपको यही करना है, यही करना है, यानी अपने आप में हमको कमजोर मानते हैं और कमजोर बनाते हैं। और विज्ञान क्या कहता है? क्रिएट द सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू आर सुपर पावर, यू आर चेतन, यू हैव अ इनफाइनाइट ऑल काइंड ऑफ पावर्स, यू आर अविनाशी, ये है आप। और ये नहीं है, जितना जुड़ोगे आप कमजोर होंगे, जितना जुड़ोगे कमजोर होंगे, क्योंकि ये तो उदय कर्म है, रिलेटिव सत्य है, तुम रियल सत्य हो, तो तुम्हारा मेरा होने इससे सिर्फ अलग रहो, क्या बताया? उसको छेड़ने की कोशिश मत करो, उसमें कोई सार नहीं है, क्या नहीं है? आप समझे, चाहे राजा बनो चाहे भिखारी बनो, सब उदय कर्म है, क्या है? त्रिमद राजचंद्र ने कहा रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव, एक ही स्वभाव है, जो पूर्ण किया है वो ग्रहण करते हैं, आज का उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है।
राजा है तो भी पुरुषार्थ नहीं है और रंक है तो भी पुरुषार्थ नहीं है, आप समझे ना। मगर आपको जब राग द्वेष होता है तो वो आपकी दृष्टि की कमजोरी है, वो निकालनी है, दृष्टि की कमजोरी निकालनी है, आप समझे ना। चेंज योर विजन, दृष्टि परिवर्तन, ये आध्यात्म मार्ग। मन वचन काय को बदलना, मन वचन काय को सुधारना, मन वचन काय को टच करके प्रायश्चित करना, शक्ति मांगना, ये रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। इसको उदय कर्म के आधार से करते हैं तो कोई बात नहीं, इनको तकलीफ हो गई शक्ति मांगते हैं वो उनका सब्जेक्ट है, आप समझेंगे। वो कहता है कि दादाजी मेरे को बहुत सामाजिक टेंशन है और मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता है, तो दादाजी ने फिर कहा ऐसा काम करो आप कीर्तन पति एक एक घंटा बोलो। कई किसी व्यक्ति को दूसरा सॉल्यूशन दे दिया कि भैया त्रिमंत्र बोलो, त्रिमंत्र की माला गिनो। तो दिस इज अ मेडिसिन ऑफ योर सॉल्यूशन, इट इज नॉट कंसर्न विथ योर सोल। मगर हमने सोल को जोड़ दिया मिथ्यात्व, क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको मेडिसिन दिया है, इट इज ओके। मगर बॉडी को सोल के साथ क्यों जोड़ देते हो, इसको तो जला दिया जाएगा। यह सुन लो, तुम जलने वाले नहीं है, तुम्हारे को कोई भी रिलेटिव सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, इनको है। मगर ये तो कुदरती रचना है, जो भी अप्लाई करता है वो कुदरती रचना है, सही या गलत, मगर वो आपके हाथ में है और आप जिम्मेदार भी नहीं हो। तो ये साइंस में लाइन ऑफ डिमार्केशन धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। यू सेट योर विजन ऑन अ बेस ऑफ साइंटिफिक विजन, धीरे धीरे बाद में आप अप्लाई करते जाओ, 1%, 2%, 3%, 4%, यही अध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता है। जब डूअरशिप करते रहोगे तो धर्म का रास्ता पक्का होगा, आध्यात्म का नहीं होगा। तो ये बात हमको सबको समझनी पड़ेगी। लेकिन वो आवरण मिटाने के लिए, अभी वो सूत जो खुलती है उसको आवरण मिटाने के लिए कुछ हम प्रकृति का वो कर सकते क्या, क्योंकि वो आवरण भी तो मिटना है ना, तो ही खुला होएगा ना, थोड़ा वो होएगा, मतलब ये साइंस का प्रोसेस के लिए ये कुछ प्रकृति में जो करेंगे तो हम अपने माइंड का थोड़ा यही जाएगा। यही बात समझनी है हमको, अज्ञान निकालना है या संयोग या प्रकृति को बदलना है। ये प्रकृति को बदलना नहीं है, लेकिन साइंस को समझने के लिए वो सूज भी पढ़ना चाहिए ना। अगर समझ रहे हैं लेकिन वो सूज नहीं होता है, वो टाइम पे अप्लाई करने उपयोग करके आवरण ही करके नहीं है। साइंस का उपयोग करोगे तो साइंस पक्का होगा कि रिलेटिव सत्य का उपयोग करोगे तो बात फिर यहाँ से फिर यहाँ करो, बात तो वही आती है। मैं साइंस की बात करता हूँ तुम फिर घुमा के फिर साइंस पे आ जाते हैं। तो आखिर बात तो वही होती है ना कि फिर मेरे को साइंस में तो आना ही है, साइंस में तो आना ही है, साइंस में तो, और मैं कहता हूँ साइंस का उपयोग करो, तो बात एक ही कि डिफरेंस कहाँ है। प्रकृति कुछ भी करती है, मन से, वचन से या काया से, पांच इंद्रियों से जो भी दुनिया दिखती है, समझ में आती है, अनुभव में आती है, ये सब कुदरती रचना है। क्या है? और कुदरती रचना है तो कुदरती रचना के रूप में देखना है। इसमें क्या समझना है और ज्यादा बताओ मेरे को? नहीं हम नहीं समझ सकते कुदरती रचना, तो समझना है इसमें और क्या करना है, समझना है। तो वही तो मैं कहता हूँ। तो आवरण जैसा कुछ है क्या कि अज्ञान? आवरण है वो आपके अंदर जो रॉन्ग बिलीफ है ना कि क्रिया करने से ये होगा, ये आवरण मिटाना पड़ेगा, मगर इसके लिए विज्ञान चाहिए। बिना विज्ञान आवरण नहीं हटेंगे, आवरण चेंज हो सकते हैं। ये अज्ञान से वो अज्ञान, वो अज्ञान से वो अज्ञान, वो हो सकता है आवरण निकलेगा। विज्ञान से ही अज्ञान, देयर इज नो एनी अदर वे। अज्ञान से अज्ञान नहीं निकलेगा, अज्ञान चेंज होगा। कोई कहता है तुम राम की भक्ति करते हो 25 साल से, आपने क्या पाया?
अभी तो कृष्ण का जमाना है, तो कृष्ण की करो। ये अज्ञान खत्म हुआ, चेंज हुआ, फिर कोई कहेंगे अभी राम कृष्ण का नहीं चलता है, महावीर का चलता है, उसका करो। तो अज्ञान खत्म हुआ, चेंज हुआ। तो हर व्यक्ति कहते हैं मेरे को अज्ञान चेंज करते हैं, खत्म, बात वही हो गई जो मैंने पहले बात किया मेडिसिन की, बस वही बात है। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है हमारे जीवन में समय समय पे मेडिसिन चेंज करते रहो और इसको पुरुषार्थ मानते रहो, यही होता है ने? किसी ने कहा अगरबत्ती करो, किसी ने कहा दीपक करो, किसी ने कहा वो क्या कहते हैं मंत्र बोलो, किसी ने कहा आरती करो, यही कहते हैं। विपरीत परिस्थिति में कैसे साइंस को अप्लाई करना है, मतलब कभी बहुत ऐसा कुछ आ गया और माइंड में इतना ये हो गया तो उसको अभी साइंटिफिकली कैसे उसको अप्लाई करके, हाँ अलग रखने का वो है लेकिन वो टाइम में वो कितना हमारा लेवल है वो हिसाब से खुलेगा, वो जो रहेगा वही, तो वो टाइम पे ये दोनों को साइंस और ये दोनों को कैसे करके हम उसमें से समाधान में रहने का वो कैसे हो सकता है। जो शाश्वत है वो मरता नहीं है और जो मरता है वो शाश्वत नहीं है, और जो मरता है इसके पास मरने से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, यह सुनो। और मृत्यु सबके लिए कंपलसरी है, इससे ज्यादा क्या लो से बताओ मेरे को, इससे ज्यादा क्या लॉस है? और जो लॉस है मृत्यु का वो कंपलसरी है, ऑप्शन है, फिर क्या करेंगे? ऑप्शन तो है नहीं, मैक्सिमम लॉस क्या है? डेथ। और वो क्या है? तो फिर ऑप्शन नहीं तो फिर क्या सोचेंगे इसमें? इसीलिए मैं कहा कोई भी संजोग आते हैं जीवन में तो वहां साइंस का प्रयोग करो, कुदरती रचना उसमें साइंस को यूज करो। मैंने गलत सोचा, गलत बोला या गलत क्रिया किया, ये मशीन के पास फ्रीडम है। सामने वाले व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ गलत सोचा या गलत बोला या गलत व्यवहार किया, उनके पास फ्रीडम है। तो दोनों का पैकेज क्या है? कुदरती, और मैं क्या हूँ? शुद्ध आत्मा। और उसके अंदर क्या है? और शुद्ध आत्मा की प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम किसको है? प्रकृति में। कुदरत ने प्रकृति क्यों दिया? भुगतान। तो भुगतान नहीं आएगी? जब भुगतान के लिए दिया है तो भुगतान तो आएगी ना। यहाँ है, यहाँ यहाँ आगे ये चेयर चेहरे वहां, अच्छा अच्छा कोई कोई बात नहीं, वहां भी चेहरे पे आपको बैठना है तो ओके बाय। तो कहने का मतलब ये हर बात को छोटे स्केल में देखोगे ना तो आपका पजल सॉल्व होगा। थिंक अबाउट ब्रॉड, थिंक विद ब्रॉड विजन। ब्रॉड विजन साइंस है, शॉर्ट विजन वो तो रिलेटिव सत्य है, वो रिलेटिव सत्य है, शॉर्ट विजन ही रिलेटिव सत्य है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट रुपये की नोट प्रिंट करती है खुद के लिए या लोगों के लिए? जो प्रिंट करती है वो रखती नहीं है, और जो रखते हैं वो प्रिंट नहीं करते हैं। तो व्यवहार है। फिर आज मेरे को सैलरी मिला तो मालिक को पैसा आया बाजार में से, बाद में मेरे को सैलरी मिला, सैलरी में से घर के हर व्यक्तियों की जरूरत पूरी किया, ज्यादा बचा तो मैंने बैंक में रख दिया, बैंक वाले ने किसी को लोन दिया, ये तो साइकिल है। क्या है? साइकिल है। उसमें प्लस माइनस से देखोगे तो डर जाओगे। ये कर्मों का प्लस माइनस है, हमको वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, कुदरत करती है काउंटिंग। आपके बिना कर्म का पाप और पुण्य वो भुगतान नहीं देगी आपको, समझ में आया? हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। कुदरत क्या कहती है कि इंसान क्या करता है जब बड़ा होता है तो मिलकत को काउंट करता है, संपत्ति कितनी बड़ी, साधन कितने बड़े, पैसे कितने बड़े, रिलेशन कितने बड़े, वो काउंट करता रहता है एवरी टाइम।
और कुदरत क्या कहती है, मैं उसका ब्रीदिंग काउंट करता हूँ, कितना बाकी है, कितना बाकी है, कितना बाकी है, नहीं समझ में आया, जैसे खत्म हो जाए ले लो। आप थिंक अबाउट, दोनों को कैलकुलेशन ही गलत है, आप समझे। हम यहाँ काउंट करते करते मर जाते हैं, मतलब क्या रहा, आप समझे कि नहीं। वो गीत आता है ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी हौसी आती। तो कहने का मतलब जो वास्तव में जो जानना चाहिए वो हमने नहीं जाना, ये मेरा कहने का मतलब है। और जो जानना वो तो रिलेटिव सत्य है, इससे कोई फर्क नहीं होता है। आप नहीं जानोगे तो भी, ये रिलेटिव सत्य को बिल्कुल नहीं जानोगे तो भी कुदरत का काम है, समय पे आपको पाप पुण्य का फल मिलना, कुछ भी नहीं सोचो, क्योंकि आपका रोल ही नहीं है। तो यू आर द ओनली, योर बॉडी इज ओनली सफरर, तो उनके लिए कोई चॉइस नहीं। सोचने का मतलब क्या है, आप समझे, सोचने की जरूरत क्या है फिर। तो हर बात के अंदर आप ब्रॉड विजन से देखो कि क्यों सोचने की जरूरत नहीं, जब मेरी पूरी लाइफ इट्स प्री डिसाइडेड फिक्स हैज पर माय प्रीवियस बर्थ कॉल, फिर सोचने की क्या जरूरत है। अगर सोचना है तो सेपरेशन के लिए सोचो, आखिर में कैसे नया संसार नहीं बढ़ाऊं, या तो ऐसा संसार बढ़ाऊं ताकि मैं मुक्ति के मार्ग में आ जाऊं, संसार में डीप में, ऐसा सोचो, आप समझे। तो ये बात हमको समझनी है, हम डीप में, इसीलिए मैंने कहा लॉ ऑफ नेचर में डीप में जाओ, प्रकृति में डीप में, आपकी और दूसरे की मत जाओ, क्योंकि कोई उसमें उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। इससे रिलेटिव सत्य ही निकलेगा, क्या निकलेगा, सनातन सत्य नहीं निकलेगा। किसी की भी प्रकृति में डीप में जाओगे रिलेटिव सत्य ही निकलेगा, और वो ही अज्ञान है, वो क्या है, और इसी से हमारा जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। विज्ञान एक ही साधन है अज्ञान को मिटाने का, और विज्ञान को क्रिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बिलीफ से मतलब है, और अज्ञान भी बिलीफ में है, क्रिया में नहीं है। ये पंखा चलता है हमको ठंडक देता है, हीटर चलता है ठंडक गर्मी देता है, तो इसमें अज्ञान क्या है। ये तो मई महीने की गर्मी में जब 50 डिग्री टेम्परेचर था तो हमने गलती से एसी के बजाय हीटर को चला दिया, तो क्या वो हमने पाप कर दिया। इतनी गर्मी में हीटिंग, ये तो हीटर ने पाप कर दिया, ठंडी देनी चाहिए उसको। भाई तुम्हारी गलती है, उनकी कहाँ गलती है, आपने जो स्विच लगा दिया हीटर की तो गर्मी आएगी। ऐसे ये मशीन है, ऐसा ये भी क्या है, मशीन है। यू आर नॉट क्रिएटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस मशीन, यू आर ओनली द ऑब्जर्वर विदाउट ओनरशिप एंड डूअर्स, दैट्स इट, सिंपल बात है। उसको गोल 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 घुमाते हैं, तभी तो मैं कहता हूँ, मैं हर बात अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ और बिल्कुल फर्मली कहता हूँ, आप समझे ना। डरने की क्या जरूरत है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी तुम तो कहते हैं कि ये विज्ञान पूरे विश्व में फैल जाए और तुम तो अकेले हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने बोला अकेले का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। राम अकेले थे, कृष्ण अकेले थे, महावीर अकेले थे, यस और नो, इट इज अ वीकनेस, दैट्स इट, कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया, कॉन्फिडेंस वो इंपॉर्टेंट बात है, अमाउंट वो इंपॉर्टेंट। राम कभी 100 नहीं थे, कृष्ण 100 नहीं थे, महावीर 100 नहीं थे, एक ही होते हैं। तो उसमें एक का मतलब कमजोरी है क्या, एक ही तो होंगे, आप समझे ना। बुरे से बुरे व्यक्ति भी एक होंगे, अच्छे से अच्छे भी, तो इंडिविजुअल होते हैं ना, इसमें संख्या की क्या बात है। हमको इस दुनिया के अंदर जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, बस इसके भाव करो एंड ट्राई, प्रयास करो। कौन लोग प्राप्त करते हैं कौन नहीं, वो छोड़ दो, वो आपके हाथ में नहीं है,
आपके हाथ में भाव करना है और संजोग के मुताबिक प्रयास करो। पाना न पाना वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट देना है और प्रयास करना है, भाव करना है, खत्म हो गए। ऐसा मत कहो कि जितने को देते हैं वो सब प्राप्त कर सकेंगे, जरूरी नहीं है। राम ने दिया तो भी सबने प्राप्त नहीं किया, कृष्ण ने दिया तभी नहीं किया, महावीर ने दिया तभी नहीं किया, श्रीमद रायचंद्र ने दिया सबने प्राप्त नहीं किया उस समय, राधा भगवान ने दिया सबने प्राप्त नहीं किया, तो मतलब क्या है? हमारा काम देने का है, आपको लेना ना लेना वो आपकी फ्रीडम है, इसमें देने वाले की गलती नहीं है। जब देने वाला कोई चीज को एनकेश करना चाहता है वो उनकी गलती है, मगर वो शेयर करना चाहता है वो उनकी गलती नहीं है, वो शेयर करता है, सेल नहीं करता है। भाई मैं तो शेयर करता हूँ मेरा अनुभव, अगर आप में इसमें से जो पसंद चीज आए वो आप स्वीकार कर लो, नहीं पसंद आए तो छोड़ दो, इसमें राग द्वेष की कोई गुंजाइश नहीं है। जब मैं कोई चीज सेल करूंगा तब मैं इम्पोज करूंगा कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, यह इम्पोज की बात ही नहीं है, इट्स ओपन साइंस, खुला विज्ञान है। नहीं स्वीकार होंगे तो आपकी अज्ञानता है ही, उसमें तो कुछ लेना देना है नहीं, वो तो आपके पास है। तो एक न एक दिन आपको आगे बढ़ने के लिए ये सनातन विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान जो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है, लॉ ऑफ रिलीजन या लॉ ऑफ पर्सन के ऊपर आधारित नहीं है, लॉ ऑफ नेचर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है और सबके लिए एक है, वो माने या कोई फर्क नहीं होगा। कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर काम नहीं करता है। नहीं मानोगे तो भी यही कानून लागू होगा और मानोगे तो भी, दैट्स इट। तो ये कानून को समझना, इसमें ही हमारी होशियारी है, नहीं समझना इसमें बड़प्पन नहीं है। कोई भी चीज को कहते हम नहीं मानते वो आपकी ग्रेटनेस नहीं है, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं राम को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं कृष्ण को मानता हूँ तो ये ऑप्शन है, मगर मैं कहूँगा मैं कुदरत कानून को नहीं मानता हूँ, क्या ऑप्शन है? है कोई है ऑप्शन? उसमें ऑप्शन नहीं है, आपकी कमजोरी है। ऑप्शन है तो बराबर है, तो सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है, रिलेटिव सत्य में ऑप्शन होता है। और इसीलिए मैं इतना वेट देता हूँ कि विज्ञान समझने की कोशिश करो, इसमें और कोई ऑप्शन आज नहीं तो कल आपकी प्रगति के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के अंदर रही अज्ञानता को मिटाने के लिए यही कुदरत का कानून समझना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और यह साइंस कोई व्यक्ति ने बनाया हुआ नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम तो सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, हम क्रिएटर भी नहीं है, ओनर भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आध्यात्म विज्ञान वो मेरा है, मेरा नहीं है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंटेशन मेरा है, मगर साइंस तो आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस, और दुनिया के कोई भी व्यक्ति क्रिएटर हो सकते नहीं है। पूछो किसी को, आपको प्रश्न करना है तो कुदरत का कानून जरा एग्जांपल देके समझाइए, आज थोड़े और नए लोग हैं। कुदरत का कानून का मतलब होता है एग्जांपल, जैसे पुनर्जन्म होता है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो नहीं होगा, बिकॉज लॉ ऑफ नेचर। कर्म का सिद्धांत, मैं नहीं मानूंगा नहीं लगेगा कर्म, लगेगा। तो ये दोनों मूलभूत कारण है। दूसरे कारण है कॉज एंड इफेक्ट, हर कॉज का रिजल्ट देने वाला कौन है, कौन डिसाइड करेगा कि आपने जो ये पाप और पुण्य किया इनका फल इतना मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा? नहीं, डिसाइड कौन करेगा कि ये पाप का आपको ये फल मिलेगा, ये पुण्य का ये फल मिलेगा? विच स्टैंडर्ड इज अ स्टैंडर्ड और एफेजन स्टैंडर्ड होगा, बस वही कुदरत कानून है। हमने कोई गलती किया है पाप पुण्य की, इसका फल कौन डिसाइड करेगा? हम करेंगे, हाँ, तो इसके इसीलिए कहते हैं तो लॉ ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ, कुदरत डिसाइड करेगा ना। एंड दे प्रोवाइड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग बिकॉज दे नो अबाउट योर रिजल्ट ऑफ योर कॉज एंड इफेक्ट, कि आपका ये कर्म है
तो इसका ये फल मिलेगा, और वो भी स्टैंडर्ड है। वो रामकृष्ण मायूर को भी उसमें से बचते हैं नहीं है, तो सबके लिए क्या है, एक ही है भाई। तुम मनुष्य में पैदा हुए क्यों, लॉ ऑफ नेचर। भाई तुम पशु में पैदा हुए क्यों, लॉ ऑफ नेचर। भाई तुम नर्क में पैदा हुए क्यों, लॉ ऑफ नेचर। भाई तुम देवलोक में गए क्यों, लॉ ऑफ नेचर। कोई व्यक्ति कहेंगे कि मेरे को नरगति में जन्म चाहिए, भाव करेगी, बिकॉज ऑफ द कर्म नेचर विल गिव यू द रिजल्ट। इट इज नॉट योर चॉइस, इट इज योर एग्जाम। नेचर गिव द रिजल्ट ऑफ योर एग्जाम, उसमें चॉइस नहीं होती है। यही बात को समझना है। जब कुदरत का कानून है और सबके लिए एक है, तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे, हमारा सब्जेक्ट ये है कैसे भी करके हमारी दृष्टि में से अज्ञान खत्म हो जाए, जिसको कहते हैं दूसरा नाम है अज्ञान का, दूसरा नाम है रिलेटिव सत्य। ये कहीं अब कहीं सालों से मैंने अध्ययन करके ये शब्द प्रयोग किया, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। कहीं लोग अज्ञान शब्द का प्रयोग करता है, रिलेटिव सत्य नहीं बोलेंगे, वो डर लगता है ना। तो रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। ये मेरा फादर है, ये मेरे मदर है, ये मेरी वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, क्या सनातन सत्य है, रिलेटिव सत्य है। तो वो परमानेंट है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ओनली व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट ही तो अज्ञान है। तो सनातन सत्य क्या है, वी ऑल आर प्योर सोल, जो परमानेंट है और सबके लिए परमानेंट है। इसमें व्यू पॉइंट, रिलेशन में तो व्यू पॉइंट है, एक के लिए हस्बैंड, एक के लिए वाइफ, एक के लिए माता पिता, एक के लिए बच्चा है, तो व्यू पॉइंट हो गया है ना। तो रिलेटिव सत्य में तो वही तो ज्ञान है। जब ड्रामा प्रिपेयर करके आए, वो सिर्फ प्ले करते हैं, क्या करते हैं, जैसे नाटक होते हैं, तो नाटक में क्या करते हैं, एक महीने पहले आपको प्रिपेयर करते हैं ड्रामा के लिए, रोल एक्शन डायलॉग सबके लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर आप स्टेज पर आओगे तो वो ड्रामा आपको प्ले करना है, करेक्ट। तो प्ले करते समय हमको प्ले ऐसा करना है लाइक अ एग्जैक्ट, या सुन लो, मगर दिमाग में तो मालूम है कि भले मैं राम का रोल कर रहा हूं, मगर मैं तो चंदूलाल ही हूं। क्यों भूल जाते, वो कहते हैं मैं राम की पत्नी सीता का रोल कर रहा हूं, मगर मेरा नाम तो शांता बहन है, और मेरा हस्बैंड भी अलग है, उनकी वाइफ भी अलग है, या सुन लो। तो रोल ऐसा करते हैं, देखने वाले दंग हो जाते हैं और देखने वाले फंस जाते हैं, इसको राइट मान लेते हैं, मगर करने वाला राइट नहीं। ऐसा ये मन वचन काया का जो ड्रामा प्रीवियस वर्ष से प्रिपेयर हो गया था, वो अभी प्ले कर रहा है, इसको हम सही मानते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। वही निकालना है, ड्रामा को बदलना नहीं है, और बदल सकते भी नहीं है। आप विजन बदल सकते हैं ड्रामा को, वो तैयार हो चुका है, आपके पास प्ले करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, प्ले करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझे, तो इसीलिए कहा प्ले करते समय डरने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, कैसा होगा क्यों, भैया आप रिहर्सल करके आए, क्या बताया। कोई कहते स्वामी जी मेरे को समझ में नहीं आता है, ये विज्ञान तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा मेरे को धीरे धीरे लगता है। मैंने बोला कैसी बात करते हो, अननोन व्यक्ति के साथ शादी करके 70 साल बिताना वो डिफिकल्ट है, यही डिफिकल्ट है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है, कभी सोचते भी नहीं है। अननोन पर्सन के साथ शादी करके 70 ईयर साथ में रहना वो डिफिकल्ट है कि इजी है। वो बोला आत्मा में रहना डिफिकल्ट लगता है, तो इजी है वो डिफिकल्ट लगता है, जो डिफिकल्ट है वो इजी लगता है। कितनी भ्रांति, कितनी ब्लंडर है, कितना कंफ्यूजन है, आप समझे। तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये दुनिया तो बिलीफ से चलती है, तो बिलीफ क्या चीज है, उनमें बिलीफ ही तो सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, बिलीफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बोला बिलीफ का कोई स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दे दो। तो मैंने बोला 20 साल में शादी किया और 7 फेरा फिर आपने, और 70 ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बिकॉज ऑफ बिलीफ, यस और नो।
जब शादी के लिए पानी मांगे तो पानी भी नहीं देखा, यह सब लोग तो बिली पीते और क्या है, ये फैक्ट थोड़ी है। पहले भी अलग थे और बाद में भी अलग होने वाले हैं, बीच में बिलीफ से काम होता है, ये परमानेंट तो है नहीं, ना अवस्था परमानेंट है ना व्यक्ति परमानेंट है, सिर्फ बिलीफ। तो ये ब्रॉड विजन से देखो, ये विजन नहीं है ना। कई लोग कहते स्वामी जी बातें निकालते कहां से, मेरा दर्शन है, मेरा मैं किताब में से नहीं पढ़ के आता हूँ, आपने देखा नहीं, आपके साथ ही मैं हूँ, फिर मैंने किताब पढ़ा। विजन का मतलब होता है योर एक्सपीरियंस, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ इन योर परमानेंट विजन, इट्स इन बिल्ट, उसमें से जो कुछ भी उत्तर चाहिए वो है, वो ढूंढना है। इट्स अ 24 आवर्स विजन, रात को सो गए 2 बजे फोन करोगे, आंखें बंद है, सर थक गए, तो अभी उत्तर वही निकलेगा, क्योंकि विजन की बात है, मनोवचन काय की बात नहीं है। आप समझे, तो मनोवचन काय की बात है, मेमोरी की बात है, नॉलेज की बात है, सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, तो हम सो सकता है याद रहेगा या भूल भी सकते हैं। विजन का मतलब होता है नाउ यू मैच्योर, ये अनुभव हो गया, क्या हो गया, अभी आपको किताब की जरूरत, कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएंगे और 25-30 साल प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके पास कोई भी मरीज आएगा तो उनके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा, अभी ये पेशेंट आया अभी पढ़ के क्या दवा देना, ऐसा करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ यू हैव अ प्रैक्टिकल विजन, पहले समझना पड़ता है, आफ्टर प्रैक्टिस इट इज बट नेचुरल। ऐसे सब फील्ड में है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंजीनियर है, सबको ये है, ऐसे अनुभवी ज्ञानी को भी ये हो, सहज हो गए, आप समझे ना। मगर जब विजन है तो सहज है, नॉलेज है तो नहीं है। नॉलेज में व्यू पॉइंट होता है, क्या होता है, जब आपके पास परमानेंट विजन हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ का, फिर कभी परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो कुछ भी बोलते हैं वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ये मेरा अनुभव है, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं लगे तो नहीं करो, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, तो ये मेरे लिए नहीं है, आप समझे। तो कहने का मतलब आप नहीं करोगे तो भी आपके लिए, और करो तो भी आपके लिए, और मैं देने वाला हूँ आप लेने वाला है वो तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर की बात है, ये मेरा नहीं कानून नहीं है, मैं तो आपको अनुभव से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड यू फॉलो द साइंस एंड यू रियलाइज द साइंटिफिक विजन, यू रियलाइज द लॉ ऑफ नेचर। आप ये शरीर को आपको अनुभव नहीं करना है, एक कुदरत के कानून को ही आपको फॉलो करना है और अनुभव करना है, इसमें मेरी तेरी बात नहीं। तो यही विज्ञान जो प्रेजेंट हुआ वो निष्पक्षपाती प्रेजेंट हुआ, जिसमें कोई मालिक ही नहीं है। मालिक कहोगे तो फिर क्या होगा, ये मेरा है, मगर यहां कोई ओनर ही नहीं है, आप समझे ना, कोई मालिक नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। और जो सनातन सत्य है उसी का अनुभव करना है, यहां कोई गुरु शिष्य नहीं है, आप समझे। जो साइंस मैंने अनुभव किया है वही साइंस को आपको अनुभव करना है, ये बॉडी को रियलाइज नहीं करना है, साइंस को करना है। यानी यहाँ व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्ति के माध्यम से मिलता है तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आरती की जरूरत नहीं है, आप समझे ना, रिस्पेक्ट, आप समझे। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अभी तो हमने आपका साइंस 10 साल से सुन लिया, अभी आने की क्या जरूरत है, वही तो बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लोग तो कहेंगे ना अपने, तो वो तो लोगों का तो ओपिनियन तो रहेगा, और प्रश्न करते मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि उत्तर देने का मौका मिलता है, कि प्रश्न करेंगे तो उत्तर दूंगा, नहीं करेंगे तो कहां से दूंगा, मेरे पास विजन है मगर कौन सा उत्तर दूं आपको, प्रश्न करूंगे तो दूंगा ना, तो वो प्रश्न करते कि अभी क्या आने की जरूरत है, सब कुछ तो हमने समझ लिया। तब मैंने कहा देखो आपके पास साइंटिफिक विजन है, साइंस का नॉलेज है, अच्छी बात है, मगर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें से 99% रिलेटिव सत्य की बात करते हैं,
और इसके प्रभाव से बाहर निकलना इतना आसान नहीं। और इसीलिए विज्ञान का तो उपयोग करते रहो, मगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें रह सको, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो रिलेटिव सत्य का है, आप समझे ना, तो रिलेटिव सत्य का प्रेशर आएगा सनातन सत्य के ऊपर, तो वो काम नहीं करेगा, रहेगा मगर काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। और इसीलिए फिर आप सुनोगे तो वही ज्ञान क्या होगा, पक्का, नया नहीं होगा, पक्का होगा। तो बोला इसमें पक्का करने की क्या जरूरत है, रोज रोज वही तो बात सुनने की है। तो फिर मैंने कहा देखो, जब आप शादी करते हैं उस समय आपने उस समय का जो आपका अनुभव है और जो आप 10 साल के बाद वीडियो देखते हैं, दोनों का अनुभव इक्वल है, कीमत किसकी है, लाइफ की। लाइफ नहीं है तो क्या करने का, जो माहौल शादी करते समय होता है वो वीडियो में आएगा नहीं आएगा, वीडियो तो वीडियो है, वो सब्स्टिट्यूट है, क्या है, भाव तो ये होना चाहिए कि क्योंकि एनवायरनमेंट कहाँ से, आप प्रत्येक कोई भी बात पढ़ोगे या सुनोगे एनवायरनमेंट कहाँ से लाओगे, एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट, वर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप मंदिर में जाओगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट की इफेक्ट होती है, और आप महफिल में जाओगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट की, इट इज़ अ मैटर ऑफ एनवायरनमेंट, आप समझे, और यहाँ आओगे तो ये साइंस का एनवायरनमेंट रहेगा, समझे, शब्द तो रहेगा मगर एनवायरनमेंट, ये बड़ी बात है। हम घर पे बैठ के क्रिकेट मैच देखेंगे तो अच्छी दिखेगी, मगर स्टेडियम में जाएंगे तो माहौल, घर पे माहौल नहीं होगा, होगा नहीं होगा, आप समझे ना, बहुत चिल्लाओगे आप तो अंदर से बेलन आएगा, चमचा आएगा, और क्या आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड नॉलेज, ऑफ कोर्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बट एनवायरनमेंट के अंदर ताकत होती है, क्या होती है, और वो ताकत को आपका, आज जब दादा भगवान की बात करूँगे, उन्होंने तो ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ 5 आज्ञा दिया, और 5 आज्ञा में हर समय वही एग्जाम्पल, यस के नो, बोला अभी जाने की क्या जरूरत है, कोई बात करते अभी तो कंटस्ट हो गई, आपको एग्जाम्पल के साथ कंटस्ट हो गई, जाने से क्या मतलब, एनवायरनमेंट कहाँ से लाओगे, क्या बताया, एनवायरनमेंट कहाँ से, जो लाइवनेस है वो तो नहीं रहेगी ना, शब्दों के अंदर, शब्दों की मेमोरी के अंदर जीवंतता नहीं होती है, एप्लीकेशन के अंदर जीवंतता होती है, और एप्लीकेशन के लिए पावर आता है एनवायरनमेंट से, विदाउट एनवायरनमेंट पावर नहीं आता है। यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्तियों को मालूम है कि योगा करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा है और जीवन के लिए ज़रूरी है, सबको मालूम है, मगर नहीं करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है, यस और नो, दैट्स इट। तो वैल्यू ऑफ द एनवायरनमेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिना एनवायरनमेंट आपको पावर नहीं मिलेगा, नॉलेज तो होगा मगर पावर नहीं। तो ये हर बातों को साइंटिफिक वे से सोचेंगे, ब्रॉड विजन से सोचेंगे, तभी मालूम होगा, बाकी नहीं मालूम होगा, सब इक्वल लगेगा आपको। इट्स रिक्वायर्ड द ब्रॉड विजन, तभी आपको फैक्ट मालूम होगा, बाकी छोटे विजन से मालूम होगा वो रिलेटिव सत्य होगा, वो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो पजल होगा, एक या दूसरा व्यू पॉइंट होगा, दैट्स इट। जगत नो उदय सारो हो त्यारे ज्ञानी पुरुष प्रकट थई जाय। महात्माओ ने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो एटलू लख्यू छे क्या, अच्छा ऊपर का ओके, अच्छा अच्छा। वो प्रश्न करता, प्रश्न करते दादाजी को, प्रश्न करता, अभी दादा तमे पेलू कहो छो ने के जोई ने बोलू छू ए केवो ज्ञान, जोई ने बोलू छू ए केवो ज्ञान। महात्मा ए दादाजी ने
प्रश्न करो। दादाजी जवाब आपे, आ तो आखू विज्ञान ज छे। शू छे? जो अभी अक्रम शब्द नहीं वापरे तमे, अब तो तमे ऑब्जर्व करता नहीं, कसो विज्ञान शब्द आता अक्रम ना आवे, पण एनी वे पछी समझाईशु पाछो, तमने बधुं भूली जशो पाछो। एटले आ तो आखू विज्ञान ज छे, आ तो कोई पुस्तक में छे ज नहीं, ज्ञान पुस्तक में होय ज नहीं, જોઈને બોલું એનું નામ જ જ્ઞાન। દાદા ભગવાનનો આન્સર છે, સમજાય છે? તું તો વો લાઈવ જ્ઞાન હૈ ઓર કિતાબ મેં વો લાઈવ નહીં, વો નોલેજ હો કે ઓર ઇસલિયે ઉન્હોને ખુદ ને કહા મેરે જાને કે બાદ એક કિતાબ હો કી 2% ભી વેલ્યુ નહીં હૈ। વો ખુદ બોલ કે ગયે, અગર કોઈ ઓર બોલતા તો ઓકો કોઈ ટીકા કરેંગે, વો ખુદ બોલ કે ગયે। ઓર સહી બાત હૈ, સભી અનુભવી કા યહી મત હોતા હૈ, કિતાબો સે ઇન્ફોર્મેશન મિલતી હૈ, એક્સપિરિયન્સ નહીં મિલતા હૈ, पावर नहीं होता है। इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, पावर कहां से लाओगे? पावर के लिए लाइव चाहिए। क्या चाहिए? आज तो हमने देखा है, हमें देखीने बोलिए छे, आ बधु જોઈને બોલીએ છે, दर्शन थे। શું કીધું? दर्शन। ज्ञान थी नहीं, चना थी कीधू? दर्शन थी। दर्शन मत જોવાનું હોય, ज्ञान में જોવાના, ज्ञान में जड़ के। આ શાસ્ત્રોની વાત નથી, આ શાસ્ત્રોની વાત નથી બોલતા, દર્શનથી બોલીએ છીએ। અત્યાર સુધી આપણે જ્ઞાન 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 કર્યું, દર્શનથી, દર્શન એટલે સનાતન સત્ય, જ્ઞાન એટલે આત્મા। આત્મામાં કશું જોવાનું ના હોય, જાણવાનું ના હોય, આત્માના પ્રકાશમાં આખું બ્રહ્માંડ જોવાય જણાય, આત્મામાં જોવાનું ના હોય, આત્માના પ્રકાશમાં હોલ યુનિવર્સ ઓપન હો જાતા હૈ, ઇસકો કહેતે હૈ દર્શન। और दर्शन कैसा होता है? सनातन सत्य, व्यवहार सत्य। दर्शन आ शास्त्र की बात नहीं बोलता, दर्शन थी बोलिए छे। तमे पूछो एटले देखाय ते अमे कहीए, अमे अने बधो नवो माल ताजो, ताजी मिठाई, शास्त्र की मिठाई तो घणा काळ धारानी होय, आ तो ताजी। लोको पूछे के तरत सी रीते आम काढो छो? દાદા કે હું જોઈને કાઢું છું, એમાં વાર કેટલી લાગે તે, આમ જોયું એટલે દેખાય, શેમાં જુઓ છું? ત્યારે કે કેવળ જ્ઞાનમાં જોઉં છું। શું કહીશું? હવે કેવળ જ્ઞાન શું આવે? કેવળ દર્શન આવે, એટલે કેવળ દર્શનમાં આખું આ જોઈને કે આ જગતનું રિલેટિવ સત્ય, સોરી આ જગતનું સનાતન સત્ય, પણ કુદરતનો કાનૂનનું સત્ય છે, પાંચ તત્વોનું સત્ય છે આત્મા સિવાયનું, એને દર્શન કહેવાય, આત્માને જ્ઞાન કહેવાય, આત્મા સિવાયના આખા બ્રહ્માંડના જ્ઞાનને શું કહેવાય? દર્શન કહેવાય, એ જ્ઞાનમાં ઝળકે એને જ્ઞાન કહેવાય નહીં। આ બધું સમજવું પડે આપણે, અહીંયા ભલે ગમે તે લખ્યું હોય, આપણે પ્રિન્સિપલ સમજવાનું, શું સમજવાનું? ભવિષ્યમાં તમે બોલશો ને ત્યારે કોઈ તમને પકડશે વિચારક માણસ કે યુ આર રોંગ, પાછું તમારે એક્સેપ્ટ કરવું પડશે। પ્રિન્સિપલ એટલે પ્રિન્સિપલ, સિદ્ધાંત એટલે સિદ્ધાંત, આખું જગત જે દેખાય અનુભવાય સિદ્ધાંત, એને દર્શન કહેવાય, ને પોતે પોતાને અનુભવે એ જ્ઞાન। એટલે અમને આ દેખાય બોલીએ છીએ તે દર્શનમાં, પ્રકાશ આત્માનો, પણ જે દેખાય છે તો શું છે? દર્શન। દર્શન એટલે આ જગતનું સનાતન અને સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન કે જે ક્યારે ચેન્જ થતું નથી, દર્શન છે। એ દરેક વસ્તુમાં આપણી પાસે એક્ઝેક્ટનેસ હશે તો આપણું વિઝન કરેક્ટ ફોર્મમાં કામ કરશે, કન્ફ્યુઝન હશે તો આપણને લાગશે આ બરાબર છે, પેલું બરાબર, આ બરાબર છે, પેલું બરાબર, આવું કેમ થયું? કારણ કે યુ ફોલો ધ ટ્રેડિશન વિધાઉટ પ્રિન્સિપલ, સિદ્ધાંત તો બદલાય નહીં, પણ તમે સિદ્ધાંતને ફોલો ના કર્યો, તમે ટ્રેડિશનને ફોલો કર્યું। પરમાણુ કા સાયન્સ ક્યાં હૈ? એ પૂરી દુનિયા જો હૈ, જહાં સ્પેસ હૈ, वो परमाणुओं से बनी हुई है, और वो परमाणु परमानेंट है। क्या है परमाणु? परमानेंट। इसको जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़। ये परमाणु है, ये सभी परमाणु से भरा हुआ पूरा ब्रह्मांड है। अभी आप कोई भी भाव करते हैं तो ये परमाणु शक होते हैं। क्या होते हैं? और वो परमाणु के ऊपर कोट लग जाता है। क्या लग जाता है? कोटिंग, आपके भाव का, और कोटिंग लग जाता है और आत्मा की हाजिरी से वो चार्ज हो जाता है तो कर्म बन गया। अभी
आत्मा के पावर की हाजिरी से वो चार्ज हो गया तो नेचर विल गिव द रिजल्ट, तो डिस्चार्ज हो गया। ये आप्तवाणी 14/2 पेज नंबर 77। टाइटल है विशेषण त्याग कारणी मर्यादा। टाइटल क्या है? विशेषण त्याग कारणी मर्यादा। समझ में आया? प्रश्न करता कालातीत तत्व छे ते अने अकरण विज्ञान आ बेमा समानता अने तफावत समझावा कृपा करो। प्रश्न रिपीट करू छू। कालातीत तत्व छे ते अने अकरण विज्ञान आ बेमा समानता अने तफावत समझावा कृपा करशो। दादा भगवान ने प्रश्न करो। जवाब दादा श्री, अकरम विज्ञान एमा अकरम ए तो विशेषण छे। शू कीधु? પણ વિજ્ઞાન એ કાળાતીત છે। કાળાતીત અને વિજ્ઞાન બંને એક જ તત્વ છે, કારણ કે તત્વ જ પરમેનન્ટ હોય ને। એટલે આ વિશેષણ બે પ્રકારના, એક વિજ્ઞાનને જાણવા માટે ક્રમ માર્ગ અને અક્રમ માર્ગ। હવે બધા ધ્યાનથી અને કાનથી બે સાંભળજો। વિજ્ઞાનને જાણવા માટે ક્રમ માર્ગ અને અક્રમ માર્ગ, તે આપણે આ અક્રમ માર્ગ છે, એમાં ફેર નથી। અને વિશેષણ છે એટલે જ્યાં જરૂરત જરૂરિયાત ત્યાં વિશેષણ હોય હંમેશા, પછી આત્મા ઉપર વિશેષણ ટકતું નથી। વિશેષણ એટલે શું? અમુક કાળ સુધી એ ટકે અને પછી ઉડી જાય। પ્રશ્ન કરતા એટલે વિશેષણ જે હોય તેને કાળની મર્યાદા હોય? પ્રશ્ન દાદા છે, હા કાલની મર્યાદા જ એનું નામ જ વિશેષણ। એટલે શું કે કાલના આધારે પ્રાપ્ત થયું અને કાળ પતી જાય એટલે મર્યાદા પૂરી થઈ જાય, ઉડી જાય। સમજાયું કે નહીં? કે અધર ગયું? કરમ અને અક્રમ બેને શું કીધું? આવું કેમ ભૂલી જાવ છો? ક્રમ અને અક્રમ બે પાંચ, અને વિજ્ઞાન શું છે? વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન એ સનાતન છે। ક્રમ માર્ગે પ્રાપ્ત કરો કે? પણ વિજ્ઞાન જ સનાતન સત્ય છે। માર્ગ સનાતન સત્ય સંજોગાધીન હોય। કેવો હોય? તો તત્વ પરમેનન્ટ હોતા હૈ। ક્યા હોતા હૈ? મગર પાથ પરમેનન્ટ નહીં હોતા હૈ। હમ પાથ કો પરમેનન્ટ માનતે થે। ये तो अच्छा हुआ कि दादा भगवान ने खुद कहा है। हमने तो कितने 20 साल पहले बोल दिया था कि क्रम और अक्रम दोनों पाथ है, उसमें साइंस वो न्यूट्रल है। ये तो इसमें से प्रूफ निकला। क्या निकला? नहीं तो मैं कहूँगा तो लोग कहते हैं तो कमलेश आनंद जी अपनी मर्जी से बोलते हैं। वो तो कहेंगे ना लोग, मैंने तो 20 साल पहले कहा था और अभी ये महात्मा ने 2-3 महीने पहले मेरे को ये जेरोक्स भिजवाई थी। आप समझते हैं, मैंने तो ये किताब पढ़ी नहीं है। तो हर बातों को समझना पड़ेगा। आ तो अनुभवनी वाणी कहवाय, शास्त्र में आवुं बधुं लखेलुं ना होय ने मेळ पड़े नहीं आपणने। करोड़ उपाय करोड़ अवतारे आत्मा प्राप्त थाय एवो नथी। साधु महाराज ने पूछवा जाओ त्यारे कहेशे, भाई આ તમે તો શું ત્યાગ કર્યો છે? હજુ કેટલા અવતાર સુધી ત્યાગ કરીશું તોય આત્મા પ્રાપ્ત થાય એવો નથી, સહેલી વસ્તુ નથી। અનંત અવતાર અવતારથી છીએ, આ કઈ 2-5 અવતારથી છીએ આપણે, અનંત અવતારથી ભટક ભટક કરીએ છીએ। ત્યારે શું આવી દશા કોઈ દાડો ઊંચે નહીં ગઈ હોય? ત્યારે કહે, ના તીર્થંકરો પાસે બેસી રહ્યો હોય ત્યાં બુજ્યો નથી હું। હા બેઠો તો ખરો પણ બુજ્યો નહીં। આજે 24 થયા કરે છે ને તેમાં ત્યાં જઈને બેસી રહે, સાંભળે બધું, પણ હતું તેવો ને તેવો। ભગવાને શું કહ્યું કે ભાઈ એમાં તીર્થંકરનો દોષ નથી, એ જીવનો દોષ નથી, એનો કાળ પાક્યો, તેથી કાળ પાક્યો પાકવો જોઈએ ને।
કાલે પેલું કીધું ને બધું નિશ્ચિત છે, મારા દાદા કહે છે તો દાદા આ બધું નિશ્ચિત હોય છે, કાળ પાકવો એ નિશ્ચિત હોય છે. દાદા જવાબ આપે છે નિશ્ચિત ખરું પણ આ રીતે નિશ્ચિત નહીં, નિશ્ચિત ખરું એ ખરું પણ નિશ્ચિત નહીં એ નહીં, તેથી અમે વ્યવસ્થિત કહીએ છીએ ને કે તમે કરી જાઓ, એ નિશ્ચિત હોય તો બગડી જાય, નિશ્ચિત એટલે એકલું બનાવવાનું છે તે બનાવવાનું જ છે, બનવાનું જ છે, પણ એવું નથી, એવું નિશ્ચિત હોય તો તમે અહીં આવો જ નહીં ને, અગર તો અહીં આવો ખરા પણ તમારો ભાવ કેવો હોય, ના ગયા હોય તો શું એવો ભાવ કરે, એ ભાવ બગાડી નાખે બધા, તે ભાવ બગડી જાય. એટલે આ દાદા ભગવાને આ બધી વાતો કરી છે. હા, એટલે કહેને કા મતલબ મેરા યે હૈ, ધીરે ધીરે વિજ્ઞાન સમજને કી દ્રષ્ટિ મેં સેટ કરને કી ઓર પરિસ્થિતિ યા અવસ્થા મેં એપ્લાય કરને કી કોશિશ કરો, પ્રયાસ કરો, થ્રુ યોર વિઝન, યા મન વચન કાય કી ક્રિયા કી બાત નહીં હૈ, જીતના કરોગે વો આપકા વિઝન કરેક્ટ હોગા, વિઝન મેં પાવર હૈ, વર્ડ્સ સ્પીચ એન્ડ થોટ મેં પાવર નહીં હૈ, વો રિલેટિવ પાવર હૈ, મગર વિઝન મેં જબરજસ્ત પાવર હૈ. ભગવાન મહાવીર મન વચન કહે કે સાથ જંગલ મેં રહેતે હૈ, બહુ સારે ઉપસર્ગ ઓર પરિસર આતે હૈ, ખાના પીના ઠંડી ગરમી બારિશ યહાં કે વાતાવરણ વાઘ સિંહ ઓર બહુ સારે મચ્છર પચ્છર વગેરે ભી હોતે હૈ જંગલો કે અંદર, મગર વો ઇતને હાઈ લેવલ મેં ચલે જાતે હૈ કે યે ઇફેક્ટ ઇફેક્ટ નહીં લગતી હૈ, વો બિયોન્ડ હો જાતે હૈ, ક્યાં હો જાતે હૈ બિયોન્ડ. તો જો બિલીફ હૈ રિલેટિવ વહાં સફરિંગ હૈ, રિલેટિવ બિલીફ હી નહીં હૈ, નો સફરિંગ, ઓનલી સફરિંગ ઇન અ બોડી, ઓર વો તો કુદરત કા હૈ, આપકો કુછ હોતા હૈ ક્યોંકિ આપકે અંદર રિલેટિવ સત્ય હૈ હી નહીં, અજ્ઞાની નહીં હૈ, તો ફિર હાઉ યુ કેન સફર. સફરિંગ અજ્ઞાનતા સે હૈ, ઓર નયા કર્મ ભી અજ્ઞાન હી નહીં હૈ, ક્યા નહીં હૈ. ઓર ઇસીલિયે ભગવાન ને કહા વેદનીય કર્મ, ક્યા બતાયા, એસા નહીં બતાયા કે સાતા ને અસાતા, વો તો બ્રાન્ચિસ બનાઈ હમને, મગર મૂળ ક્યા હૈ, વેદનીય કા મતલબ હોતા હૈ સફરિંગ, ક્યા હૈ સફરિંગ, ફિર સફરિંગ કો ગુડ એન્ડ બેડ કહો, ધેટ્સ યોર વ્યૂ પોઇન્ટ, સફરિંગ સફરિંગ હોતા હૈ, ઓર ઇસીલિયે ઉસકા દૂસરા નામ હૈ બંધન, ક્યા હૈ બોન્ડેજિસ. તો મુક્તિ કિસકો કહેતે હૈ, ફ્રી ફ્રોમ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ બોન્ડેજિસ, ઇસકો મુક્તિ કહેતે હૈ, વિથ બોડી યુ ફ્રી ફ્રોમ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ બોન્ડેજિસ, બંધનો સે મુક્તિ, વો પહેલી મુક્તિ, પર શરીર સે મુક્તિ વો અંતિમ મુક્તિ, પહેલે અજ્ઞાન સે મુક્તિ વો બંધન સે મુક્તિ, અજ્ઞાન હી તો બંધન હૈ, ક્યા હૈ યે ભુગતાન બંધન નહીં હૈ, અજ્ઞાન બંધન હૈ. તો યે સબ બાતે પ્રિન્સિપલ હી સમજની પડેગી, ભુગતાન બંધન નહીં હૈ, અજ્ઞાન બંધન હૈ. સમજ મેં આયા સબકો? ઓર કિસી કો પ્રશ્ન કરના હૈ? કેટલા ભાવ સુધી મનુષ્ય ભાવ મળ્યા કરે? એક સાથે બે મનુષ્ય ભવના બીજ પડે નહીં, પણ મનુષ્યમાંથી મનુષ્ય થાય, પછી મનુષ્યમાંથી મનુષ્ય થાય, પછી મનુષ્યમાંથી મનુષ્ય થાય, એવું થઈ શકે અનેક વખત, પણ એક મનુષ્ય ભવમાં પાંચ મનુષ્ય ભવના કર્મ ના બંધાય, બે મનુષ્ય ભવના ના બંધાય. પ્રિન્સિપલનો પ્રશ્ન છે, મનુષ્યમાંથી તો મનુષ્ય ભાવ થાય, પાછો મનુષ્ય ભાવ થાય, એ તો થાય, પણ એક જ ભવના કર્મ બંધાય એટ એ ટાઈમ, કેટલા બંધાય? મનુષ્ય ભવના, મનુષ્ય ભાવના મલ્ટીપ્લાય ના બનતા. તો એ સબ બાતે પ્રિન્સિપલ કો સમજના ચાહીએ હમકો, તાકિ કન્ફ્યુઝન નહીં હોય, આપ સમજે ના. ઓર કઈ લોગ કહેતે કે 84 લાખ યોનિ મેં આપકો ઘૂમના પડેગા, ઇસકે બાદ મનુષ્ય ભાવ મિલતા હૈ, ફિર
फिर घूमना पड़ेगा, फिर मिलता है, ये सब इल्यूजन है, भ्रांति है, ऐसा है नहीं, ये सब डराने की बात है, क्या है? चलो प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेद भाव निकल जाए, हम में से भेद भाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।